बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल SH क्रोशेट। आज मैं आपके साथ एक किचन का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखें, जो मैंने एक छोटी सी मिनी हेड बनाई है अपनी किचन के लिए, जो कि देखने में बहुत प्यारी और खूबसूरत है। तो आइए अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3-ply वूल का यूज़ किया है और 2.5 mm क्रोशेट से इसको बना रही हूँ। स्लिप नॉट लगाने के बाद 5 चेन्स लेनी है, 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4 चेन लेके फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फोर चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच करनी है, स्लिप स्टिच करके 1, 2, 2 चेन लेके इस होल में 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं, टोटल 18। 3 चेन भी मिला के 18 हो जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरीके से टोटल 18 डबल क्रोशिया बना के रेडी करते हैं। 18 चेन बनाने के बाद ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करनी है, स्लिप स्टिच करके 1 चेन नेक्स्ट हर स्पेस में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट जो चेन थी, 1 चेन ली थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 चेन नेक्स्ट हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से बनाते हुए ये देखिए, ये 4 रोज, ये सेकंड रो, थर्ड और फोर्थ रो बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मेरी 4 रोज बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन लेके सेम स्पेस में 1 मोर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस रो में हर स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया लेके कंप्लीट करेंगे। ये इस वर्क के लिए हम 2 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए ये रो कंप्लीट होने के बाद थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करनी है, स्लिप स्टिच करके देखिए 1 चेन और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। ये देखिए, ये अपनी कैप के इस राउंड के लिए देखिए। ये हमारी कैप की बॉर्डर कॉर्नर किंग सी बननी शुरू हो गई है। स्लिप स्टिच, से राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हेड बन के रेडी हो गई है। अब इसके यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर को देखेंगे, देखिए मैजिक चेन लेके 1 सिंगल क्रोशिया,
तरीके से ये देखिए 6 पेटल्स बनानी है। ये देखिए 6 पेटल बना ली है। अब इसको यहाँ से वर्क को इस तरह खींच लेंगे। ये हमारे फ्लावर की शेप बन गई है। इसको अब इधर स्लिप स्टिच करके वर्क को कट कर देंगे। टाइम रूल लिख के ये देखिए, ये अपने हेड के अकॉर्डिंग ये देखिए थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के इसको बनाया है। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है करके इसको ये देखिए। निडल से यहाँ पे इसको टांका लगा लेंगे। टांका लगाने के बाद यहाँ पे फ्लावर को साथ ही मेरा आज का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।